प्यारे बच्चों, आज कक्षा 10वीं के हिसाब से हम सूचना लेखन पर बात करने जा रहे हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की सूचना लेखन, जो खंड घ में 5 अंक का प्रश्न दिया जाता है। मैं बात कर रही हूँ फिर से एनुअल एग्जाम्स की, आपके वार्षिक परीक्षाओं के हिसाब से। सूचना लेखन अब तक आपने कक्षा 9वीं तक नहीं पढ़ा, ये आपके लिए एक नया विषय है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लें, इसके नियमों को समझ लें। सूचना लेखन में सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि सूचना होता क्या है। जब भी किसी कार्यालय, किसी संस्था, किसी स्कूल, विद्यालय को अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना होता है, साधारण या दूसरे किसी खास व्यक्ति को सूचित करना होता है, तो वो अपने सूचना पट पर यानी नोटिस बोर्ड पर सूचना लगा देते हैं। आपने भी अपने स्कूल में नोटिस बोर्ड और उस पर लगे हुए बहुत से सूचनाएं जरूर देखी होंगी। आज परीक्षा के हिसाब से इसको समझ लेते हैं, हमने कैसे लिखना है। शुरुआत करते हैं सूचना लेखन की। सूचना लेखन मान लो खंड घ का प्रश्न 15 है, मैं सिर्फ उदाहरण देकर बता रही हूं। तो हम शुरुआत करेंगे प्रश्न 15 सूचना से। प्रश्न 15 सूचना लेखन है, इसे आप अपनी आंसर शीट समझ लीजिएगा या अपनी कॉपी समझ लीजिएगा। और अब मेरा उत्तर शुरू हो रहा है, यानी सूचना लेखन में आपको समझाने जा रही हूं। यहां से इसके लिए आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे, इसका एंड मत कीजिएगा क्योंकि सूचना आपकी यहां भी खत्म हो सकती है, यहां भी या उसके आगे भी। तो उसको उसको बंद हम बाद में करेंगे जब आपका सूचना लेखन खत्म हो जाएगा। तो सूचना लेखन की शुरुआत इस बॉक्स से होगी। इस बॉक्स को हम शुरू करेंगे सूचना से, यानी सूचना लेखन की शुरुआत है सूचना से। अगर मैं और आसानी से समझाना चाहूं तो मैं इसको 4 खंडों में बांट दूंगी, ए बी सी एंड डी। एक एक करके हम इसको उठाते रहेंगे, इसको समझते रहेंगे और आप देखेंगे कि सूचना लेखन हमारा खत्म हो गया और आपको समझ आ गया। तो ए में सबसे पहले हम पार्ट ए की बात कर रहे हैं यहां तक। सबसे पहले आप सूचना लिखेंगे पहली लाइन में, उसकी अगली लाइन यानी दूसरी लाइन पे आ जाइए, अ ब स विद्यालय। कॉमा क ख ग नगर, पहली लाइन सूचना, सूचना की शुरुआत सूचना से, इसको ऐसे याद रखेंगे। दूसरी लाइन में अ ब स विद्यालय क ख ग नगर। अब बच्चों, अब बोर्ड के एग्जाम्स देने जा रहे हो, हम अपने स्कूल का नाम और अपने शहर का नाम कहीं पर भी बताते नहीं हैं, इसीलिए स्कूल का नाम छिपाने के लिए उसको अबसर कर दिया और नगर का नाम न बताते हुए हमने उसको क ख ग नगर कर दिया। आपको अगर प्रश्न में कहीं पर दिया दे रखा है कि आप मान लीजिए राज विद्यालय जो नई दिल्ली में है, राज पब्लिक विद्यालय जो नई दिल्ली में है, उसकी तरफ से सूचना लिख रहे हैं, अगर वो नाम प्रश्न पत्र में है तो आप उसको यहाँ मेंशन कीजिए, वरना इसको अपनी पहचान, अपने विद्यालय का नाम और अपने नगर का नाम, अपने शहर का नाम आप न बताएं, वो ज्यादा अच्छा है। पहली लाइन सूचना, दूसरी लाइन अ ब स विद्यालय कॉमा क ख ग नगर। और अब आ जाइए तीसरी पे जिसमें हम तिथि लिखेंगे, यानी हम सूचना कौन से दिन लिख रहे हैं। तिथि 30 मार्च कॉमा 2020। अब अक्सर बच्चे पूछा करते हैं कि इस मार्च की जगह मैम क्या हम इसको यूं लिख सकते हैं कि हम तीसरा महीना है तो यहाँ 30-3 लिख दें। बच्चों वो भी गलत नहीं है, पर आप किसी भी तरीके से ये मत बताइए कि आपको हिंदी में मार्च लिखना नहीं आता है या उस महीने का नाम लिखना नहीं आता है। तो बेहतर है आप उसका हिंदी में नाम लिखें और अपना जो प्रभाव है वो बड़ा अच्छा सा दिखाएं। तो ये यहाँ पर मेरा ए सेक्शन खत्म हो गया, यानी मैं अपना एक पार्ट खत्म कर चुकी। 5 में से 1 अंक आपका यहां तक पूरा हो गया। अगर आपने ये 3 लाइनें लिखी हैं तो आप 5 में से 1 लेने के हकदार हो गए। अब हम आ रहे हैं बी पर। पहली लाइन सूचना,
दूसरी लाइन अबसा विद्यालय क ख ग नगर, इसमें नगर और विद्यालय केवल और केवल तभी लिखिए जब प्रश्न में अगर वो बताया गया है, अगर नहीं बताया गया है तो उसकी आप पहचान यूं ही रखिए। तीसरी लाइन तिथि, जो भी उस दिन वो दिन है, वो महीना है, महीने को हिंदी में लिखने की कोशिश करिए, ये कॉमा भी जरूरी है, और फिर 2020 लिखें। ये है सेक्शन ए यानी खंड, अगर मैं इसको चार भागों में बांटा है मैंने तो उसका पहला भाग ये है, यानी एक नंबर का हमारा ये पूरा हो गया। अब सूचना का विषय यहाँ पर आएगा, इसके लिए आप अगर चाहें एप्रिशिएबल है अगर आप एक लाइन यहाँ पर छोड़ देते हैं विषय के लिए, और विषय को यहाँ से शुरू करेंगे। मान लो स्कूल में होने वाली प्रतियोगिता, स्कूल में कोई प्रतियोगिता होने वाली है उसके लिए आप ये सूचना लिख रहे हैं, इसको आपने अंडरलाइन कर दिया। यहां ये जो विषय है इसको आप प्रश्न से दो बार पहले पढ़ें ध्यान से कि हमें विषय क्या चाहिए, उसके बाद उसको विषय को लिखें, क्योंकि विषय का क्लियरिटी उसमें, उसका स्पष्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी विषय को पढ़कर, उसका टॉपिक क्या है सूचना का पढ़कर हम उसको पूरा आगे चलाते हैं। तो इसको भी ध्यान से रखेंगे, सोचेंगे। सेक्शन ए हमारा पूरा हो गया, सेक्शन बी पूरा हो गया, यहां तक मुझे 5 में से 2 नंबर मेरे पक्के हो गए। अब सेक्शन सी पे आएंगे। सेक्शन सी में आप जिस विषय पर लिखना चाह रहे हैं उसके बारे में तकरीबन 4 या 5 लाइनें लिखेंगे, इससे ज्यादा नहीं बच्चों, ये 4 या 5 लाइन, और ये लाइंस बहुत ऑफिशियल होनी चाहिए, विषय से संबंधित होनी चाहिए। इसको लिखने से पहले 2 बार अपने मन में ठीक से बना लो, क्योंकि इसकी भाषा बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। आप अगर साधारण शब्दों का प्रयोग भी कर रहे हैं तो भी चलेगा, बहुत ज्यादा ऊंचे सही बहुत सटीक शब्द लेने हैं ऐसा नहीं, साधारण भाषा में भी लिखा जा सकता है। इंग्लिश का कहीं प्रयोग ना करें, बेहतर है, इंग्लिश नहीं चाहिए हिंदी में। और ये 4 से 5 लाइन से आगे ना बढ़े, और इसकी पहली लाइन, क्योंकि ये सूचना है तो पहली लाइन होती ही यही है कि आप सभी को यह सूचित किया जाता है आगे जो भी जिस भी विषय पर आपको प्रश्न कहता है लिखने को आपने वो लिख दिया। ये हमारे विषय का विस्तार हो गया, हमें मालूम चल गया कि हमारी ये सूचना किस विषय के बारे में है। फिर से बता रही हूँ, उसको 4 पंक्तियों से अधिक का ना लिखें। अब आ जाइए, इसके आपको 2 नंबर मिलेंगे बच्चों। ये अगर सूचना 1, 2, 3 इन लाइनों में 1 नंबर है सेक्शन 1 जो मैंने ए में बांटा था, और बी का मैंने फिर 1 नंबर दिया, और ये आपकी जो विषय है क्योंकि ये थोड़ा बड़ा भी होता है और मेन इसको मुख्य भी माना जाता है, ये फिर से 2 नंबर का इसको मान लीजिए, तो अब तक आपके 4 नंबर पक्के हो गए। अब आखिर में आ जाइए, और इस आखिर के साथ साथ सूचना आपको समझ भी आ रहा है और अब खत्म भी होने जा रहा है। अंत में ये सूचना लिखने वाला कौन है और उसका पदनाम यानी उसका पोर्टफोलियो, उसका डेजिग्नेशन क्या है वो भी बताना जरूरी है, ताकि पढ़ने वाले ये जान सकें कि ये सूचना किसने दी है, वो सही भी है या नहीं भी है, या उसके बारे में और भी जानना है, उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। तो अंत में एक याद रखिए, सबसे पहले हस्ताक्षर होंगे, ये हस्ताक्षर भी हिंदी में करने हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया अंग्रेजी का कोई शब्द यहाँ ना आए तो अच्छा है। हस्ताक्षर किए, हस्ताक्षर के बाद आपने अपना नाम लिख दिया कि मैं कौन हूँ। नाम के बाद अब आप अपना पदनाम यानी अपना पोर्टफोलियो बताएंगे। अब देखिए जरा, अगर स्कूल में छुट्टी है तो उसकी सूचना कोई छात्र नहीं देगा, उसकी सूचना आपके प्रधानाचार्य देंगे। तो याद रखिए, अगर वैसे तो प्रश्न पत्र प्रश्न में सब कुछ लिखा होता है कि कौन लिख रहा है, सूचना किस विषय पे लिखनी है, लेकिन आप भी अपना दिमाग साथ साथ चलाते रहेंगे। सबसे पहले लाइन डी सेक्शन की हस्ताक्षर, उसकी अगली लाइन में नाम आ गया, उसके बाद है पदनाम, यहां तक हमारा काम खत्म हो गया। ये मेरी यहाँ जब खत्म हो गई सूचना तो मैंने इसको क्लोज कर दिया, और मेरे 5 नंबर फिर से मेरी मुट्ठी में।